हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंदना खाना खजाना। आज आपके साथ शेयर करेंगे पालक पनीर की एक टेस्टी सी रेसिपी, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में। बस थोड़ी सी बातों का आपको इसमें ध्यान रखना होगा तो आपका पालक पनीर भी बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पैन में 2 कप पानी चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। पानी बॉईल हो गया है, इसमें हम डालेंगे पालक। तो पालक हमने लिया है लगभग 250 ग्राम, इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, इसकी पत्तियां तोड़ ली हैं। अब इसको बॉईल पानी में हम डाल देंगे। तो लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ये पालक ब्लांच हो जाएगा। तो पालक को हमें बॉईल नहीं करना है, पालक को हमें ब्लांच करना है। तो ज्यादा देर तक आप इसको पानी में नहीं रखेंगे। तो सारी पालक हमने इसमें डाल दी है और गैस को हम रखेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे ही इसे हमें पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ये पालक जो है ब्लांच हो जाएगा। तो लगभग 30 सेकंड हो गया है, पालक देख रहे हैं अच्छे से ब्लांच हो गया है। तो हम गैस को ओपन कर देंगे और पालक को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अगर आपके पास ठंडा पानी हो तो आप इस पालक को जो निकालिए उसको एकदम ठंडे पानी में निकालिए, जिससे ये पत्तियां जो है बिल्कुल ग्रीन ही बनी रहेंगी। अभी मेरे पास ठंडा पानी नहीं है, आजकल हम फ्रिज में ठंडा पानी नहीं रख रहे हैं, तो हम इसे ऐसे ही बाउल में निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पालक को हम पीस लेंगे। उसके पहले एक हरी मिर्ची हमने ली है, वो भी इसमें डाल लेंगे और इसे डालकर पालक को हम अच्छे से एक इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो चलिए प्यूरी बना लेते हैं। पहले ये पालक की प्यूरी को हमने पीस कर तैयार कर लिया है, बहुत ही अच्छे से पीस गई है। और हमने पीसा है ये टमाटर, 2 बड़े टमाटर हैं जिसे हमने पीस कर इसकी प्यूरी बना ली। और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच और 250 ग्राम हमने पनीर लिया है जिसे क्यूब में काट लिया है। और थोड़े मसाले यूज होंगे जो आपको बाद में बताते हैं। अब गैस पर हम एक पैन रखेंगे, पैन में डालेंगे हम ऑयल। तो ऑयल डालेंगे हम लगभग 2 चम्मच, ये 2 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया और इसे गरम हो जाने देंगे। तो ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो हमने ये लिए आधी प्याज है, इसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। तो ये प्याज है और एक है तेज पत्ता। तो हम इसमें पहले प्याज डाल देते हैं। तो प्याज डाल के हमें इसे भूनना है, तब तक भूनेंगे जब तक प्याज पिंक नहीं हो जाती है, बहुत ज्यादा इसे लाल नहीं करना है। तो पिंक होने तक हम प्याज को भूनेंगे लगभग 30 सेकेंड। तो प्याज मेरी भून रही है और इसमें तेज पत्ता भी हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो प्याज भून गई है, पिंक हो गई है, तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच है ये पेस्ट, इसे भी हम डाल देते हैं। और इसे डालकर भी हम इसे भूनेंगे अच्छे से लगभग 1 मिनट तक, इसे भी हमें भूनना है। बराबर इसे चलाते रहेंगे, जलने ना पाए। अब इसे भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर प्यूरी जो हमने पीस के रखी थी। इसे टमाटर प्यूरी डाल के भी हमें अच्छे से भूनना है, लगभग 5 मिनट तक इसे हम भूनेंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़े मसाले। तो पहले हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा, हम लगभग इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच। तो 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर डालेंगे हम लगभग 1 चम्मच और इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर हम डालेंगे 1/2 चम्मच, आधा चम्मच हमने जीरा पाउडर भी डाल दिया। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे लगभग 5 मिनट तक, इसे हम भूनेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। अभी अच्छे से मेरा भून गया है और ऑयल भी छोड़ दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर हम डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच।
इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला पाउडर। आपने ध्यान दिया होगा इसमें हमने रेड चिली पाउडर नहीं डाला क्योंकि हमने ग्रीन चिली इसमें डाली थी। तो पालक पनीर में हमेशा ग्रीन चिली ही डालिए, रेड चिली डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे पालक प्यूरी जो हमने पीस के रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे और इसे डालकर भी हम लगभग एक मिनट तक इसे भी भून लेंगे। अच्छे से पूरा डाल लेना है। अब इसे चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे लगभग दो मिनट तक। तो देखते हैं आप सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं इसमें और पालक अभी भी बिल्कुल ही ग्रीन है। इसे ज्यादा देर नहीं भूनना है, लगभग दो मिनट ही इसे भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे। आप चाहिए तो पानी इसमें ना भी ऐड करिए। तो जिसमें हम पालक पीस कर रखे थे उसे में हम थोड़ा पानी ले लिए लगभग आधा कटोरी पानी और इसे हम डाल देंगे इसमें। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे हम बॉयल आने देंगे। तो लगभग एक बॉयल इसमें आ जाएगा तो इसमें हम पनीर डालेंगे। आधा कटोरी इसमें हमने पानी डाल दिया पूरा। अब इसमें एक अच्छा बॉयल आ गया है तो हम पनीर डाल देते हैं इसमें। सारा पनीर इसमें हम डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है, इसमें एक अच्छा बॉयल आना है। तो लगभग दो मिनट तक इसे हम पका लेंगे। आप देख रहे हैं इसमें भी एक अच्छा बॉयल आ गया है। बस इतने ही देर इसे हमें पकाना है। अब ये पक गया अच्छे से तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब देखा ना आपने, है ना कितना आसान इसे बनाना। मिनटों में रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर आप जब भी चाहिए इसे घर पे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।